हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के क्या क्या फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इफ़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल पॉसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ये कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स होंगे, तो इसको सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑब्जेक्टिविटी। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इम्पार्शियल एटीट्यूड ऑट टू हैव बीन अडॉप्टेड फॉर इट। इफ़ इट इज़ सो, द प्रिंसिपल इज सेड टू पॉसेस ऑब्जेक्टिविटी। ये जो भी बोला जा रहा है, ये हमारा जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वो किस पे बेस्ड होना चाहिए? एक फैक्ट पे बेस्ड होना चाहिए। और मतलब ये ऐसा फैक्ट पे बेस्ड होना चाहिए ताकि इसको लोग आसानी से अडॉप्ट कर पाएँ, और जिसकी वजह से वो ये प्रिंसिपल को अगर अडॉप्ट करें तो उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। इसलिए तभी हम इसको बोलेंगे ये ऑब्जेक्टिविटी है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन। If the application of the principle is possible, it is regarded as a good principle. In case theoretical principle is sound but its application is difficult, then the principle has no value. देखिए, application का मतलब होता है, मान लीजिए कोई principle बनाया गया, उसकी theory तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम उसको real life में apply कर रहे हैं, ठीक है, तो वो apply सही से नहीं हो पा रहा है, तो वो theory, वो principle जो है हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए बोला जा रहा है कि वो प्रिंसिपल की थ्योरी भले ही जितनी अच्छी हो, लेकिन जब उसको लोग अप्लाई करें, अगर तब वो अच्छा साबित होगा तो ही उसको अच्छा माना जाएगा, अदरवाइज़ उस प्रिंसिपल की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूज़। द प्रिंसिपल शुड बी सच बाय हूज यूज़ यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज़ इंक्रीज। सपोज अ प्रिंसिपल हैज़ ऑब्जेक्टिविटी एंड इट इज़ एप्लीकेबल ऑल्सो, बट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ प्रिंसिपल इन अकाउंटेंसी रिकॉर्ड, देन ऑल्सो द प्रिंसिपल इज़ यूजलेस। अब मान लीजिए वो जो प्रिंसिपल है, उस वो ऑब्जेक्टिविटी भी है उसका, उसका जो एप्लीकेबल है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसका यूज़ है वो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में हो ही नहीं रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, भले ही वो कितना अच्छा प्रिंसिपल क्यों ना हो। इसलिए प्रिंसिपल हमेशा ऐसा बनाना चाहिए जो हर अकाउंटिंग रिकॉर्ड में यूज़ किया जा सके, क्योंकि अगर कोई ऐसा अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगा जिसमें प्रिंसिपल को यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो उस प्रिंसिपल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, भले ही वो कितना अच्छा प्रिंसिपल क्यों ना हो। लास्ट हमारा जो है वो है सिंप्लिसिटी। द प्रिंसिपल शुड हैव सिंप्लिसिटी। इफ़ इट इज़ सिंपल, इट विल कमांड पॉपुलैरिटी। देखिए, बोला जा रहा है कि वो जितना हो सके उतना सिंपल होना चाहिए, क्योंकि जितना सिंपल होगा लोग उसको आसानी से अडॉप्ट कर पाएंगे, आसानी से अपने लिए यूज़ कर पाएंगे। इसलिए जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए वो एज़ मच एज सिंपल होने चाहिए। ओके, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बाय करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।